दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी प्यारे दोस्तों का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का इंटरनेट का जमाना बहुत है, हर किसी को मोबाइल पे लैपटॉप पे कंप्यूटर को इंटरनेट ही चाहिए। हर जगह गूगल करते रहते हैं, बहुत फाइंड करते हैं, बहुत रिसर्च करते हैं कुछ सब्जेक्ट के बारे में, किसी जानकारी के बारे में, और टाइम खराब होता है। तो नो टेंशन दोस्तों, हम हैं आपके लिए। आज मैं इस वीडियो में आपके लाया हूँ 5 जबरदस्त अमेजिंग ऐसे वेबसाइट जिनको आपको विजिट करना चाहिए, जानना चाहिए दोस्तों। तो अगर जानकारी पूरी आपको मिलेगी तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, तभी आपको समझ आएगा कि कौन सा वेबसाइट कितना आपके लिए बेनिफिट है। दोस्तों तो हमेशा के लिए इस वीडियो को शुरू करने के पहले दोस्तों, मैं लेके सोना और टेक ठाकुर जी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आओ डिजिटल बने, कुछ नया सीखें। पहले वेबसाइट की बात करें तो ये है दोस्तों simpleimageresizer.com। इस वेबसाइट पे आप किसी भी तरह के फाइल को आप कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी ऑनलाइन। इसका जो वेबसाइट की स्पीड है काफ़ी अच्छी है। जैसे मैं एक इमेज लेता हूँ आपके सामने, देखिए एक कोई भी सैंपल के तौर पे एक इमेज ले लेते हैं। ये सिंपल आपको अपलोड करना है, किसी भी तरह से JPG PDF पे आप कन्वर्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद इसे नीचे कन्वर्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। थोड़ा सा प्रोसेस होने के बाद ये आपको कन्वर्ट करके आपको आउटपुट दे देंगे, जहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। देखिए इस तरह से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह से आप किसी भी और फाइल को इसमें सेलेक्ट करने के बाद आप इसमें PDF भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में एक और ले लेते हैं हम एक फाइल को, और इस तरह से देखिए आप PDF सेलेक्ट करके उस इमेज को आप PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, आप इस वेबसाइट को ट्राई ज़रूर करिए। दूसरी वेबसाइट की बात करें तो ये दोस्तों indiatyping.com। इस वेबसाइट को खोलने के बाद इसमें सबसे बेनिफिट आपको ये है, यदि आपको हिंदी टाइपिंग नहीं आता तो कृति देव में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल इसमें आप गूगल इंडिक जो फॉन्ट होता है, इंडिक फॉन्ट ये देखिए, इसे इंस्टॉल करने के बाद आप इंग्लिश में ही लिखेंगे, वो हिंदी में कन्वर्ट होने के बाद आपको लिखने में भी बहुत आसानी होगा, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जिसको हिंदी टाइपिंग नहीं आता। सिंपल सी इस वेबसाइट पे आप आ करके उसे इंग्लिश में लिखने के बाद उसे कन्वर्ट टू देवनागरी या कन्वर्ट टू कृति देव भी कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा है। कन्वर्ट करने के बाद अभी से किसी भी फाइल फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने इसको वर्ड पे डाउनलोड किया हूँ। वर्ड पे डाउनलोड करने के बाद देखिए दोस्तों, बहुत सिंपल तरीके से आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको हिंदी लिखने का टेंशन नहीं होगा। सेलेक्ट करिए और इसे आप देवनागरी पे सेलेक्ट कर लीजिए। ये देखिए दोस्तों, आपका फॉन्ट पूरी तरह से देवनागरी या कहा जाए तो कृति देव पे आ चुका है दोस्तों। अगली वेबसाइट की बात करें तो दोस्तों ये है khanacademy.com। दोस्तों इस वेबसाइट में आपको हर तरह के कंप्यूटर कोर्स, वो भी पूरे हिंदी में वीडियो लेक्चर के साथ मिल जाते हैं दोस्तों। बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर ये वेबसाइट है, सॉफ्टवेयर सीखने के लिए, कोडिंग सीखने के लिए, किसी भी तरह के आपको यदि सीखने की इच्छा हो तो आप यहाँ पे सीख सकते हैं। तो सिंपल से इसमें आप विज़िट करिए और यहाँ पे देखिए दोस्तों, यदि आपको किसी कोर्स को सर्च करना है, आपको जैसे कोई कोडिंग करना है तो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। सिंपल से इसका इंटरफेस है, ऊपर सर्च बार पर जाइए, जो भी आपको कोर्स सेलेक्ट करना है उसे टाइप करके सर्च कर लीजिए। देखिए दोस्तों, एग्जांपल के तौर पे पाइथन का मैंने एक सॉफ्टवेयर कोडिंग के लिए सर्च करता हूँ, तो देखिए आपके सामने पूरा इसका लेक्चर, वीडियो लेक्चर आ जाता है, जिसे आप अपने मर्जी के हिसाब से सेलेक्ट करके वीडियो लेक्चर के थ्रू आप अपना कोर्स पूरा कर सकते हैं। अगले वेबसाइट की बात करें तो ये है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया वेबसाइट है, आप इस पर लॉगिन करिए, यहाँ विजिट ज़रूर करिए। ये है दोस्तों इस वेबसाइट का नाम tenminutesemail.com। काफ़ी बढ़िया है। यदि आप कभी कोई सॉफ्टवेयर के एक्टिवेशन के लिए या किसी प्रोडक्ट के एक्टिवेशन के लिए आपको ईमेल की ज़रूरत पड़ती है, आपको अपना प्राइमरी ईमेल नहीं देना है, तो आप इस ईमेल को सिर्फ 10 मिनट के लिए जनरेट करने के बाद आप उसमें OTP या किसी भी तरह से आप ईमेल प्राप्त कर सकते हैं। ये सिर्फ
ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये सिर्फ वैलिड रहेगा आपका ईमेल 10 मिनट के लिए दोस्तों। तो 10 मिनट के लिए अंदर आपको किसी भी टाइप का काम है ईमेल से संबंधित, तो आप इसका उपयोग सही तरह से कर सकते हैं। अगले वेबसाइट की बात करें तो दोस्तों ये है algorithma.com, बहुत ही बढ़िया वेबसाइट है। इसमें आपको किसी भी तरह के ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो का आप कलर कर सकते हैं, वो भी पूरी तरह से ऑटोमेटिकली काम करता है। चलिए आपको एक फ़ोटो अपलोड करके दिखाता हूँ और ये कैसे वर्क करता है दोस्तों। सिंपल यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे। अपलोड पे क्लिक करने के बाद आपको किसी भी एक ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो को आप ले लीजिए। ये अपलोड होगा, आपके फ़ोटो को साइट पे अपलोड कर देता है। ये देखिए, सिंपल इसको ड्रैग करना है लेफ्ट या तो राइट साइड पे। ये देखिए, ये ब्लैक एंड वाइट है, इसे आप ड्रैग करके लेफ्ट साइड पे खिसकाएंगे तो पूरी तरह से ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो को कलर फ़ोटो कर देता है ना लाजवाब दोस्तों। तो इस वेबसाइट का यूज़ ज़रूर करेंगे। ये देखिए, चलिए एक दूसरे फ़ोटो को लेके देखते हैं। आपको मैजिक इसमें वेबसाइट में ज़रूर मिलेगा। चलिए मैं दूसरा एक फ़ोटो ले लेता हूँ। ये देखिए, एक नेचुरल सा फ़ोटो ले लेते हैं। फ़ोटो अपलोड हो रहा है हमारे साइट पे। ये देखिए दोस्तों, सिंपल से आपको इस जो लाइन है इसको ड्रैग करना है। ये देखिए, पूरी तरह से ऑटोमेटिकली ये कलर कर देगा पूरे फ़ोटो को, और उसके बाद कलर होने के बाद आप इसे चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो। बहुत बढ़िया वेबसाइट है, आप इस पर विज़िट ज़रूर करें दोस्तों। अगले वेबसाइट की बात करें तो ये है दोस्तों pixlr.com। ये भी फ़ोटो से संबंधित एक बढ़िया, बहुत ही बढ़िया वेबसाइट है, जिसे आप ब्राउज़र पे सिंपल टाइप करके ओपन कर सकते हैं। इसमें दो ऑप्शन आपको मिलेगा, पिक्सलर एक्स और पिक्सलर ई। पिक्सलर एक्स में थोड़े से कम फंक्शनलिटी है, और अगर पिक्सलर ई का यूज़ करते हैं उसमें ज़्यादा फंक्शनलिटी मिलेगी। तो देखिए, यदि आप अपने कंप्यूटर पे, आपके कंप्यूटर पर फोटोशॉप नहीं है और इमिडिएटली आप किसी फ़ोटो को एडिट करना चाहते हैं तो इस वेबसाइट के थ्रू आप एडिट कर सकते हैं। चलिए एक फ़ोटो लेके देखते हैं। यदि आपने कभी फ़ोटोशॉप चलाया होगा तो सिंपल फ़ोटोशॉप का तरह ही इसका पूरा जो फंक्शंस है वो वर्क करेंगे। देखिए, सारे फंक्शन फ़ोटोशॉप की तरह से हैं, बहुत सिंपल इंटरफेस है। क्विकली इसमें आप फ़ोटो एडिट कर सकते हैं दोस्तों, जैसे आप फ़ोटोशॉप पे करते हैं। काफ़ी अच्छा वेबसाइट है ये, ऑनलाइन फ़ोटो एडिटर के लिए काफ़ी अच्छा है। आपको किसी भी कंप्यूटर में आपको इसको इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, सिंपल आपके पास इंटरनेट होना ज़रूरी है। और सारे वो फंक्शन जो फ़ोटोशॉप में आप करते हैं इस ऑनलाइन फ़ोटो एडिटर पे आप कर सकते हैं। देखिए, फ़ोटो की साइज, कलर, हर चीज़ को आप यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं। जूम को भी ऑप्शन है, सारा चीज़, टेक्स्ट एडिटर, ऑनलाइन फ़ोटोशॉप के लिए काफ़ी अच्छा। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और कमेंट में ये भी बताइए दोस्तों आपको किस तरह की वेबसाइट की जानकारी चाहिए। मैं कोशिश करूँगा रिसर्च करके आप तक उसकी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से, मेरे चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाऊँ दोस्तों। तो आज के इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया, और यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। बस इतना ही, धन्यवाद।